कन्नौज के सौरिक थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं से रूबरू होने आए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने राजस्व निरीक्षक व लेखपालों को निर्देशित करते हुए कहा कि फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। इसके लिए समाधान दिवस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जमीन संबंधी विवादों में बढ़ोतरी हो रही है। कई लेखपाल अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं और जो भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी लेखपाल ऐसे गरीब असहाय लोगों को चिन्हित करें जिसके पास ठंड से बचने के साधन नहीं है। ऐसे गरीब असहाय लोगों को प्रशासन की तरफ से निःशुल्क कंबल बांटे जा रहे हैं। सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्रों में गौशालाओं की व्यवस्थाओं को भी चेक करें। समाधान दिवस में राजस्व से संबंधित 12 समस्याएं आईं, जिसके निस्तारण हेतु टीमें रवाना की गई, जबकि पुलिस से संबंधित एक समस्या आई, जिसके निस्तारण के लिए भी टीम को रवाना किया गया। द पंजौरा न्यूज के लिए सॉरी कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।